अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में महासभा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला और हनुमान गढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन कर अयोध्या के धर्माचार्यों से भेंट वार्ता की। प्रतिनिधि मंडल में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता, हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष राम लाल आर्य, हरिओम गोलू, सीमा गुप्ता आदि नेता शामिल थे। श्री राम जन्मभूमि पर हिंदू महासभा नेताओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। धर्माचार्यों से भेंट वार्ता में हिंदू राष्ट्र निर्माण हस्ताक्षर अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय के नेतृत्व में चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान में सहयोग और समर्थन मांगा। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बी एन तिवारी ने आज जारी बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हनुमान गढ़ी के गद्दीनशी महंत प्रेमदास महाराज ने हस्ताक्षर पुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर कर हिंदू महासभा के हस्ताक्षर अभियान का पूर्ण समर्थन किया और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। अयोध्या के धर्माचार्य यर स्वामी कर पात्री महाराज ने भी हस्ताक्षर अभियान का समर्थन कर हस्ताक्षर अभियान में अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में हस्ताक्षर अभियान को ऐतिहासिक अभियान घोषित किया। वीडियो संदेश में कर पात्री महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील की। राष्ट्रीय प्रवक्ता बी एन तिवारी ने बताया कि अयोध्या के धर्माचार्यों का समर्थन मिलने से हस्ताक्षर अभियान मजबूत हुआ है। हिंदू महासभा ने 10 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। देश के 18 प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान जारी है। 13 अप्रैल 2023 को हिंदू महासभा के 109वें स्थापना दिवस पर 10 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में संसद में विधेयक पारित कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाएगी। अयोध्या से मनोज शर्मा, स्टेट ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट। हे मानस की पावन भूमि अयोध्या, हे राम की जन्मभूमि अयोध्या, तेरे को नमन करता हूँ कि तूने बार बार अपनी गोद में खेलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मन भावनाओं से अभिभूत है। आज मैं अपने बचपन की ओर लौटता हूँ। कर्पात्री जी के गोद में जैसे खेलता था, वैसे ही मैं आज कर्पात्री जी के सामने खड़ा हूँ और उन्हें नमन करते हुए इस पावन भूमि से एक विचार, एक सोच लेके जाना चाहता हूँ कि इसे आज नहीं तो कल इसको अखंड हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो मैं इस देश के महानायक मोदी योगी से वचन लेना चाहता हूँ, उनसे एक विचार रखना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कब ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा भारत सदियों से गुलाम था, है और कब तक रहेगा। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो मेरा ये भारत देश कब आजाद होगा। कई प्रांतों के नाम आपने बदल दिए, ये इंडिया कब बदला जाएगा। अभी मोदी जी ने एक जहाज का नाम बदला इंग्लैंड का होने के कारण, तो इंग्लैंड के द्वारा थोपी हुई नाम इंडिया कब बदला जाएगा। जिस दिन ये इंडिया का नाम अभिशाप हमारे सर से हटेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरा भारत अब आजाद हुआ। अभी तक तो हम गांधी के 3 बंदर थे। मां बहनों की इज्जत रुक जाए देखना मत, भाइयों की हत्याएं हो जाए बोलना मत, बहनों की चित्कार को सुनना मत। मोदी के 8 सालों में हम उस 3 बंदर से तो हट गए। मुख बोलने के लिए चालू हो गया, आंखें देखने लगी और कान सुनने लग गया। तो मैं इस भूमि से एक वचन चाहता हूं श्री राम से, श्री हनुमान से कि हे देवताओं, आप इनकी बुद्धि को ऐसा बना दो कि ये इसे आज नहीं तो कल हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित कर दे। मेरे मंदिर का पैसा,
विधर्मियों के पास जाता है, जिसे वो खुलकर तांडव करते हैं। लोग कहते हैं शिव का त्रिनेत्र खुल जाना, तो अब शिव का त्रिनेत्र खुल चुका है, तांडव होने लगा है। जब मेरे शिव कब तांडव करते हैं, जब अहिंसा का हिंसा का अति विधर्मियों का अति उत्पात बढ़ जाता है। तो मैंने उस उत्पात को होते हुए देखा है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का एक 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता सहित अन्य कई पदाधिकारी शामिल हैं। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मंडल का अयोध्या आगमन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अयोध्या के धर्माचार्यों और साधु संतों से भेंट वार्ता करना है। यहाँ पर हिंदू महासभा का प्रतिनिधिमंडल कल 1 जनवरी को साधु संतों और धर्माचार्यों से मिलकर के उनसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में सहयोग मांगेगा और साधु संतों के आशीर्वाद से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाया जाएगा, जिसका एक ज्ञापन 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा और उनसे संसद के अंदर एक विधेयक पारित कर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जाएगी। यह हिंदू महासभा का दृढ़ संकल्प है और हिंदू महासभा अपने संकल्प को हर हाल में पूरा करेगी। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।